क्या हो रहा है, जिस खान साहब देखिए क्या हो रहा है, यूसीसी में भी जो है ये साथ दे रहे हैं सरकार का, सिद्धांत तो सहमति। देखिए देखिए क्या होगा विपक्षी एकता का सर, देखिए देखिए शायद दीपक जी इसमें कुलदीप जी गलत क्या कह रहे हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो, सुलझा हो, समझदार हो, अच्छा ऐसा ना हो जो कानून वो आईआरएस है या ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हो। सर सुनिए ना, अरे सर सुन तो ले आप सर, कि कानून इधर बनाए उसको ये ना पता हो ये कानून बनाने लायक है या कानून बनाने लायक नहीं, ये बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए आपके पास आऊंगा सर। सर तो इसमें बुराई क्या है, सच तो यह है कि पढ़ा लिखा हो और समझदार हो, दूरदर्शी हो, जो देश के हित में सोचे, सही बात। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उनको देश से कोई लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं, सिर्फ उनको चाहिए कि प्रधानमंत्री होता ही इसलिए कि अपना एजेंडा चलाए भाई, जनता चुनती इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी, वोट लेना। ऐसा ना हो कि वो एक उद्योगपति को बड़ा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के विदेश चले जाएं। सुधांशु जी आवाज आ रही है हमारी, जवाब दे सकते हैं आप, पढ़े लिखे समझदार प्रधानमंत्री के बारे में। आवाज चली गई, चल चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी के पास चलता हूं, फिर बहस में आऊंगा। विजय शंकर तिवारी जी, जो लोग अपोज कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा दीपक जी, अभी बात हो रही थी अड़पर और पढ़े लिखे की बात हो रही थी, तो कोर्ट ने बार बार यूसीसी लागू करने की बात कही, इसका मतलब है कोर्ट में बैठे हुए जो माननीय जज हैं ये उनके लिए कह रहे होंगे, अनपढ़ की बात कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ही बार बार कहा है कि इसको सरकार लागू करे। तो जब ये बात कर रहे थे कि वो अनपढ़ की बात कर रहे थे, तो इन्हीं कोर्ट के लिए बात कर रहे थे कि कोर्ट ने बार बार ऐसा क्यों कहा कि देश में इसकी आवश्यकता नहीं है। देश में यूसीसी लागू करने के विरोध में लगभग लोग के पास तो जो कोर्ट में बैठे हैं महामहिम, उनके पास तो असली डिग्री है, मैंने नकली डिग्री वाला की बात करी है। कलमुल जी उन्होंने ही कहा है, कलमुल जी उन्होंने ही कहा है कि यूसीसी देश में लागू करने की बात करी है, तो सीधे सीधे आप उनका विरोध कर रहे हैं। एक मिनट कुलदीप जी, मुझे एक सवाल का जवाब, तो नकली डिग्री वालों की बात करी, मुझे विजय भाई एक बार रुक जाइए, पढ़े लिखे की बात हो रही है ना, तो मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कुलदीप कुमार जी से। कुलदीप कुमार जी, आपके एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, आईआरएस रहे हैं, हालांकि कुछ कहते हैं कि रहे नहीं रहे उस पर भी डाउट है, कई विवाद होते हैं, खोज जाने दीजिए, पढ़े लिखे हैं, आईआईटीयर हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और उसके बाद आपके दूसरे मुख्यमंत्री भगवंत मान, कभी उनकी डिग्री भी बताया करिए। नहीं रहे या नहीं रहे, मतलब दीपक जी अगर आप ऐसी आप पत्रकार है, अगर आईआईटी में पढ़े हैं जहां तक मुझे याद है, मैं ये कह रहा हूं और मैंने कहा आईआरएस पर विवाद हुआ है, कई बार विवाद भी हुआ है आईआरएस की जॉब से, मुझे नहीं पता किसने विवाद किया आईआरएस उनकी, नहीं आप चेक करा लीजिए, रिकॉर्ड निकाल आरटीआई लगा लीजिए, यहां तो आरटीआई का जवाब नहीं आता है। अच्छा मुझे बताइए ना, भगवान मान की डिग्री साझा करिए, डिग्री जनमेन है। देखिए मैंने क्या कहा कि देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री जो है वो पढ़े लिखे होने चाहिए, जिनके पास डिसीजन लेने की पावर हो, ऐसा ना हो कोई एक बड़ा उद्योगपति आए उनसे कोरे कागज पर साइन करा के चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो भी स्पष्ट उन्होंने भगवत मान जी की आप बात कर रहे हैं, उनकी क्या डिग्री है बताइए आप मुझे, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बाकियों की डिग्री पूछते हैं तो मैं आपसे बताइए। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा कि वो इंटर पॉलिटिकल साइंस के एमए कर रखा है, उन्होंने ये कहा क्या, उन्होंने लिख के दिया चुनाव आयोग को क्या, नहीं लिख के दिया उन्होंने, ठीक उन्होंने कब लिख के दिया, देखिए कम पढ़ा लिखा होना बुरी बात नहीं है देश में, लेकिन ये बुरी बात है कि आप कम पढ़े लिखे हैं, हम यूसीसी पर आएंगे, लेकिन अब चूंकि पढ़े लिखे का मुद्दा आ गया इसलिए सुधांशु जी कुछ कहना चाहते हैं, सुधांशु जी का हवाला दे दे, वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, वो गैर संवैधानिक है, वो गैर कानूनी। देखिए मैं ये कहना सुनिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, संयोग से इस समय जो तीन तीन लोग बैठे हैं ना, एक देखिए कुलदीप कुमार जी की पार्टी, इनके टेक्निकली आईआईटी के ग्रेजुएट हैं, अजीज खान साहब वाले विदेश से पढ़ के आए हैं, और कलीमुल हफीज साहब वाले तो लंदन से बैरिस्ट्री पढ़ के आए हैं, देखिए मगर इन्होंने क्या बेहतरीन पढ़ाई लिखाई का उत्तर दिया है। कुलदीप कुमार जी वाले सबसे ज्यादा पढ़े लिखे का मुद्दा उठाते हैं, जब सेकेंड वेव कोविड की चल रही थी और वैक्सीन की कमी थी, तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि सरकार वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं बांट देती, ताकि जल्दी से वैक्सीन बन जाएगी और सबको मिल जाएगी और आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अरे ये पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है, थाली में अरे वैक्सीन का फार्मूला कोई चूरन है क्या, ये कोई चूरन है क्या जो सबको बना दिया जाएगा? आपको याद रखना चाहिए जब कोविड की सेकेंड वेव थी तो पैरासिटामोल जैसी सामान्य टैबलेट जो बुखार के समय कोई भी ले लेता है, वो भी अमेरिका ने भारत से आयात की थी, अनपढ़ मेडिकल तरीका भी बीच में
मुख्यमंत्री ने देश को होम क्वारंटाइन का फॉर्मूला दिया, उसमें लाखों लोगों की जान बची, प्लाज्मा थेरेपी दी, लोगों की जान बची, और अनपढ़ प्रधानमंत्री ने क्या किया, तालियां बजवाई कोरोना के लिए बजवाई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सुधांशु जी, ताली और थाली में कोरोना भागता है क्या? ये कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आती हो आप? ये भैया चरखा चलाने से अंग्रेज भी नहीं भाग जा रहा था भाई, क्या बात आप कर रहे हैं? जैसे चरखा चलाना महात्मा गांधी ने इस समय प्रतीक बनाया था पूरे देश की भावना को, वैसे ही ताली और ताली को प्रधानमंत्री जी ने वो बनाया था। बच्चों ऐसी बात मत करिए, ताली बनाने से कोरोना भाग रहा था, चरखा चलाने से अंग्रेज भाग रहा था, बेकार की बात मत करिए, पढ़े लिखे मूर्खी कर सकता है। मैंने कहा पैरासिटामोल जैसी सामान्य टैबलेट, भाई देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था कुलदीप जी, आपकी गलत बात है कि आप लगातार बड़े हैं, समझदार हैं, आपसे आपसे सुधांशु जी आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। देखिए पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो पढ़े लिखे के समान व्यवहार करिए मान्यवर, जैसे पढ़े लिखे सभ्य सुसंस्कृत लोग व्यवहार करते वैसे करिए ना। हाँ, अब मैं आपको जवाब देता हूं, जिस समय कोरोना की सेकेंड वेव थी, याद करिए पैरासिटामोल जैसी सामान्य टैबलेट भी अमेरिका ने भारत से आयात की थी, क्योंकि हर ड्रग को बनाने की एक व्यवस्था, एक रॉ मटेरियल से लेके उसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, स्पेसिफाइड प्रक्रिया होती, स्पेसिफाइड लाइसेंस होता है। अब अगर कोई आईआईटी ग्रेजुएट ये कहे कि सबको बांट देते तो कितना हास्यास्पद है। और सुनिए, अप्रैल 2001 में अरविंद केजरीवाल जी ने आके ये कहा, जब सिंगापुर जाने का उनको मौका नहीं दिया गया तो ये कहते भैया वो तो मेयर कॉन्फ्रेंस थी, तो इनविटेशन लेटर पढ़े नहीं थे कि मेयर कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर जाना चाहता है, फिर कहने लगे कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश दे दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक पूरी दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था, भारत का तो छोड़िए। और सुनिए दीपक जी, ये बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े हैं लिखे नहीं है दीपक जी, इसलिए जितने भी घोटाले होते हैं उन सारे डिपार्टमेंट की फाइलों पे ये खुद साइन नहीं करते, कहीं सत्येन जैन से साइन करवाते हैं, कहीं मनीष सिसोदिया साइन करते, सिर्फ पढ़ते हैं लिखते नहीं है। साइन तो मंत्री करेगा, फंसेगा वो जो लिखा हुआ है, हम तो सिर्फ पढ़ के निर्देश देते हैं। और अजीत खान साहब की पार्टी के तो पढ़े लिखे विदेश से आए हुए नेता क्या बताई जाए, ये तो बीजेपी का वैक्सीन बता दिए थे, तो ये गजबे पढ़े लिखे लोग हैं, अब इनके लिए क्या बताया जाए। प्रधानमंत्री तो अडानी को क्वांटर दिलाने के लिए चले गए श्रीलंका और बांग्लादेश, बताइए नहीं दिलाने गए तो। अच्छा बता, मान रहे कि विदेशों में भारत की इतनी धाक हो गई है कि जिसको चाहेगा भारत उसको मिल जाएगा दूसरे देशों से? वाह, आप तो बड़ा यार हमारी वो कर दी, मतलब जिसको हम चाहेंगे वो मिल जाएगा। अच्छा, मैं दोनों को रोकता हूँ, मुद्दे पर वापस आते हैं, अच्छी बहस हो चुकी है लेकिन मुद्दे पर वापस आना जरूरी है।